हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मैं गाड़ी का कूलेंट लेकर आया हूं जो कि हेला कंपनी का है। तो दोस्तों, मैं इस कूलेंट के बारे में आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। हेला कंपनी का रेडिएटर कूलेंट है 1 लीटर का, ठीक है दोस्तों। इसका प्राइस दोस्तों 300 रुपये है और इसमें 1 लीटर जो है कूलेंट रखा हुआ है। तो कूलेंट जो है वो गाड़ी में डालते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ऐसे गाड़ी में ब्लू कूलेंट है तो ब्लू कूलेंट ही उसमें डालना है। तो दोस्तों, ये ब्लू कूलेंट है, अभी इसकी सील लगी हुई, ये देखिए इसमें सील लगा हुआ है, तो ये सील देख करके लें। तो दोस्तों, अगर यदि आपकी कार में ब्लू कूलेंट है तो ब्लू डालना है, पिंक कूलेंट है तो पिंक डालना है, ग्रीन कूलेंट है तो ग्रीन डालना है। स्कॉर्पियो में पिंक कलर का कूलेंट होता है और ये टाटा अल्ट्रोज कार का है कूलेंट, ये ब्लू कूलेंट है, ठीक दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, उसको समझते हैं। ये देखिए, फिल द रेडिएटर विथ 1/3 हेला कूलेंट एंड 2/3 सॉफ्ट क्लीन वाटर। मतलब एक बटा दो भाग जो है, तीन में से एक भाग जो है वो कूलेंट भरना है और तीन में से दो भाग जो है वो आपको क्लीन वाटर डालना है, या डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं या क्लीन वाटर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्टिल वाटर और ये नॉर्मल वाटर में आपको मैं डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कभी बाल्टी में आप पानी भर कर रखते हैं, जब पानी भर कर रखते हैं तो देखते होंगे बाल्टी में सफ़ेद सफ़ेद जमाता है, तो उसको स्केलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, जो डिस्टिल वाटर होता है वो इवेपोरेट करके बनाया जाता है, वो वाटर का जो है एकदम शुद्ध पानी रहता है, तो उसको इवेपोरेट कर देते हैं तो वो उसमें से जो अशुद्धियाँ रहती है पूरी निकल जाती है, वो शुद्ध डिस्टिल वाटर रहता है। तो जब डिस्टिल वाटर आप किसी चीज़ में मिलाएंगे तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद जमता है, स्केलिंग नहीं होती है। तो इसी वजह से लेबोरेटरी में डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, बैटरी में डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद जमता नहीं है उसमें, वो एकदम शुद्ध पानी रहता है, उसको मशीन में इवेपोरेट करके बनाया जाता है हीटर में। तो इसलिए दोस्तों, इसे हमें डिस्टिल वाटर का ही यूज करना चाहिए। अगर यदि आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं तो नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि डिस्टिल वाटर यूज करिए। डिस्टिल वाटर 60 रुपये का बैटरी में डालने वाला पानी आता है, वो भी आप मिला के इसमें डाल सकते हैं। तो रेडिएटर में जो है 1/3 भाग जो है कूलेंट रहेगा और 2/3 भाग जो है इसका वाटर रहेगा। और ये दोस्तों, इसका प्राइस जो है 300 रुपये, आप नीचे देख सकते हैं, 1 लीटर की क्वांटिटी है। तो दोस्तों, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं gomechanic.com से, या अमेज़ॉन से, या फ्लिपकार्ट से, या स्नैपडील से, या फिर आफ्टर मार्केट भी ले सकते हैं इसको आप, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्लू कलर का कूलेंट है, कूलेंट देख कर डालें। यदि कूलेंट पूरा निकल गया है आपका, तो पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका रेडिएटर लीकेज तो नहीं है कहीं से, तभी नया कूलेंट डालें। और यदि गाड़ी बहुत ज़्यादा चली है और थोड़ा बहुत कूलेंट कम है, तो इस प्रकार से आप मार्केट से ख़रीद के उसमें पानी मिलाकर अपने से भी डाल सकते हैं। पीछे इसमें लिखा रहता है कितने पानी में कितना डालना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ कूलेंट है, और कुछ कूलेंट ऐसे आते हैं जिनमें पानी पहले से मिक्स होता है, तो उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप ऐसे सीधा ला करके उसमें डाल दीजिए। तो दोस्तों, रेडिएटर में मत डालिए इसको, जो बगल में एक डिब्बा बना रहता है वो वाइट कलर का, उस डिब्बे में इसको कूलेंट को डाल दीजिए पानी मिला के, जैसे इसके नियम के हिसाब से। उसके बाद वो जो रेडिएटर में कम होगा तो अपने आप खींच करके रख लेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको कूलेंट को किस प्रकार से डालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी और कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।